देखिए अतल जी, ना मैं आपकी बेटी को अपनाने वाली हूँ और ना ही मेरा बेटा। श्वेता जी, ये जो कुछ भी हुआ इसकी सजा आप रिया को क्यों दे रही है? आप एक बार सोच कर तो देखिए प्लीज। आंटी जी, ऑयली नहीं है ना, तुझे पता है? अरे मुझे पता है आंटी, आप क्या खाते हो? और ये आपका स्पेशल पोहा। ओके, जा एंजॉय। ओके श्वेता जी, देखिए हेतल जी, मैंने ना बहुत सुन लिया अब, लेकिन अब आप लोग सुनिए, मेरा आंसर है नो, एन ओ नो। श्वेता जी, अरे इनके गलत फैसले को उसकी मां सुधार, वो क्या गया नील को? अरे नूडल भैया संभल के चलो। नील सर है क्या? नहीं, तेरे सर नहीं आए यहाँ पे, बट वो देख उनकी मम्मी बैठी है, वो देख। ओए दखल दयाल, मुझसे छुप रहा है कम यार। नहीं नहीं माता जी, मैं तो आप ही के पास, वो वहां से फ्री हो गए, मुझे मिल, समझा? ये सब आप क्या कर रही है श्वेता जी? एक बार मुझे, आप लोगों ने जो किया है ना उससे बहुत कम कर दी हूँ मैं, ओ प्लीज आप ये ना अपना शगुन का सामान टेक अवे कीजिए, तो दे तू। श्वेता जी एक बार सोचिए तो सही, इससे रिया की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। आप लोगों ने सोचा हमारी बदनामी करते वक्त? नहीं ना, वो ये शादी नहीं होगी, दैट्स इट। आप गलत समझ रही है। ओ जी राइट साइड हो जी की रॉन्ग साइड हो, मेरा आंसर है नो, एन ओ। टाइम वेस्ट हो रहा है जी। ओ गिव सामान जी, आई एम गेटिंग लेट। श्वेता जी निकालो जी जल्दी से। ऐसे सगाई होने के बाद माता जी रिश्ता तोड़ रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा नूरल भैया। सगाई हुई है, शादी थोड़ी हुई है। और डीडी अगर सही इंसान के साथ शादी ना हो ना, तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ता, समझा? अच्छा हाँ। क्या आपको अनन्या के बारे में जानकारी चाहिए? हाँ आई मीन क्यों यार, ये अनन्या चीज क्या है? हर कोई उसके बारे में पूछ रहा है। अब सब मतलब, और कौन पूछ रहा है उसके बारे में? अरे हमारे सर जी, उन्होंने भी तो मुझे ये काम सौंपा है कि जाओ अनन्या के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आओ। क्यों? वो हम आपको नहीं बता सकते, ये हम पुलिस वालों का कोड ऑफ कंडक्ट है, टॉप सीक्रेट। ओए कौन सा सीक्रेट है? बस यार डीडी बताना, अगर तुझे कुछ अनन्या के बारे में पता बताना। क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तू उसके साथ? बोल। नहीं नहीं वो हम नहीं, वो ये नूडल भैया अनन्या के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। अली, तुझे क्यों जानना है अनन्या के बारे में? नहीं यार मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ये नकचड़ी रिया की दोस्त इतनी इतनी शांत कैसे हो सकती है? नहीं मतलब शांत, पागल है क्या तू? यार नील वो तुझसे लड़ती, यार मुझसे तो वो बात भी नहीं करती यार। Excuse me. Miss Ananya, I'm surprised. How come you called? दादी जी चाहती है कि हम, यानी कि तुम और मैं साथ में मिलकर रिया का बर्थडे प्लान करें। Sure. Cafe in 20 minutes? Cafe? नहीं, कहीं और नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना? How about Chamko Cafe? Sorry, 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 sorry. ओके कैफे में मिलते हैं। ऑलराइट देन सी यू। रिया का बर्थडे प्लान करना तो सिर्फ बहाना है, मेरा असली प्लान तुम्हारे हर प्लान को जानना है, मिस अनन्या वर्मा।
हर सवाल का जवाब होता है। बचपन में मेरे हर सवाल का जवाब था तुम्हारे पास जमको, आज भी बता दो, क्या मेरा अमन मुझे जल्दी मिलेगा? So, we meet again. क्या प्लान? वो दादी जी चाहती है कि हम, यानी कि तुम और मैं साथ में मिलकर रिया की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करें। तो इसलिए मैं यहाँ। बैठ के बात करें। तो दादी जी चाहती हैं कि हम दोनों साथ में प्लान करें। फिर से चालू इसकी जासूस गिरी। हाँ। तो तुम दादी जी के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम हाँ ना के अलावा कुछ और बोल सकती हो? कुछ कहना है तुम्हें? मैस्केरेड पार्टी अच्छी थीम होगी ना, और रिया को भी बहुत पसंद आएगी। मास्क, नकाब, क्या कुछ छुपा नहीं होता इन सब के पीछे। लोगों का असली चेहरा, उनके राज, उनकी बेईमानियां। नकाब तो हर कोई पहनता है, कोई सच छुपाता है तो कोई झूठ। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने इसके पीछे क्या छुपाया। मैं नकाब पहनता नहीं, उतारता हूं झूठे और मक्कालों के चेहरों से। रियली गुड फॉर यू। डरते तो वो लोग हैं जो कुछ छुपाते हैं। मैस्केरेड पार्टी नहीं तो कुछ और सोचते। तुम्हारे पास कुछ अच्छे आइडियाज हो तो बताना, ठीक है? मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। लड़की कहां से आती है, कहां गायब हो जाती है, चाहती क्या है, इसका मकसद क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा।